अब मैं सबसे पहले इस राष्ट्रीय परिषद सुशासन संगम की प्रस्तावना रखने के लिए साथी जी को आमंत्रित करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में यहां पर दिल्ली से पधारे राज्यसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय हरिवंश जी, प्रबोधिनी के अध्यक्ष प्राचार्य देशपांडे सर जी, प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, प्रबोधिनी के प्रबंधन समिति के सम्मान्य सदस्य रेखा महाजन जी, अरविंद रेखे जी, मेरे सहयोगी रवि पोखड़ा जी और यहां पर उपस्थित आप सभी का मैं रविंद्र साठे हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे दो दिन चलने वाले इस सुशासन संगम में 16 राज्यों से प्रतिनिधि आए। अभी तक 250 प्रतिनिधियों ने पंजीयन किया है। लोग आने वाले आधे घंटे में सब प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित होंगे। एक तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस विषय को लेकर हम 16 राज्यों से यहां पर उपस्थित हैं। वैसे प्रबोधिनी के बारे में आप सब ने डॉक्यूमेंट्री देखी है, प्रबोधिनी के कार्य के बारे में हम सब परिचित हैं। ऐसे उपक्रम 2008 से नियमित रूप से हम करते आए, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्वच्छ भारत है, सीएसआर है, ऐसे काफी विषयों पर प्रबोधिनी ने इस प्रकार के परिषद का आयोजन किया है। वैसे इस परिषद का जो सूत्र है वो सुशासन का, विशेष रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस विषय को और गति से देखा गया और गति से इस विषय को जनता में जाकर यह शासन सबको अपील कर रहा है। तो हमने भी सोचा इस विषय को लेकर जनता में जावे और कुछ नवाचार के प्रयोग है और गैर सरकारी संगठन जो काम करते हैं, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग सुशासन का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को यहां पर एकत्रित करें, कुछ विचार मंथन हो, आदान प्रदान हो, जागरण हो और अपने अपने जगह जाकर इस विषय को हम आगे बढ़ाए। तो यह उद्देश्य लेकर यह सुशासन संगम का यह आयोजन यहां पे हुआ है। वैसे दो दिन में जो कार्यक्रम होने वाला है इसकी समय पत्रिका सबके फाइल में दी है, फिर भी कौन कौन वक्ता इसमें आने वाले हैं उसके बारे में संक्षेप में मैं बताऊंगा। अभी एक उद्घाटन सत्र है, उद्घाटन सत्र के बाद प्रीलिमिनरी सेशन रहेगा, इसी सभागार में वो सत्र रहेगा 12:30 से 2 बजे तक। 12 से 12:30 थोड़ा विराम है, 12:30 बजे यहाँ पहला सत्र होगा। जो अपने प्रधानमंत्री है वो हमेशा मन की बात में कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों को लेकर उल्लेख करते हैं, ऐसे मन की बात सत्र के सुशासन नायकों द्वारा अपने अनुभव की साझेदारी इस सत्र के बाद होने वाली है। उसमें योगेश साहू जी है, विश्वास द्विवेदी, जगत भाई और श्री अतुल जैन, ऐसे अतुल जैन इसकी अध्यक्षता करेंगे। 2 और 3 के बीच में भोजन होगा, बाद में फिर से प्रीलिमिनरी सेशन होगा इसी सभागार में। स्वयं पहल से सुशासन में भागीदारी, मन की बात में ही जो अन्य लोग हैं उनका यहाँ पर एक प्रस्तुतिकरण होगा और आदान प्रदान होगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। 5:30 से 7 बजे तक आज के दिन का आखिरी सत्र होगा, उसमें सरकार और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से सुशासन इस विषय पर यह सत्र होने वाला है। तो बहुत माननीय और इसमें अपने विषय रखेंगे तो प्रदीप गांधी जी जो है जो पूर्व सांसद है इसकी अध्यक्षता करेंगे। और उसके बाद कल सुबह 9:45 को सत्र शुरू होगा, उसमें नवोन्मेष गणतंत्र शासन में नवाचार पर चर्चा इस विषय पर सत्र होने वाला है, इसी सभागार में वो सत्र होगा। 11:45 से 12:45 सुशासन एवं इसके पहलू अकादमिक शोध पत्र कुछ पेपर प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण यहां पर होंगे, वो एक सत्र होगा। उसके बाद 1 से 2 सुशासन एवं इसके पहलू अकादमिक और एक पेपर प्रेजेंटेशन का सत्र है भोजन तक, बाद में भोजन रहेगा और भोजन के बाद केंद्रीय
मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी इस पूरे कार्यक्रम का समापन करने वाले हैं। तो कल 4:30 बजे तक यह पूरा समय और पूरे सुशासन संघर्ष की कार्यवाही चली, तो 4:30 बजे हमारा सत्र समाप्त होगा। आप सभी से निवेदन है कि 100% भी सत्र में आप कृपया उपस्थित रहे, और जैसे मोदी जी आह्वान करते कि जनता की भागीदारी उनके सुशासन में चाहिए, वैसे आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि हर सत्र में आप सबकी भागीदारी चाहिए। तो आप सभी सहयोग देंगे और इतनी बड़ी तादाद में आकर आप यहां पर आए, और हम दोनों मिलकर यह पूरा संगम हम सफल बनाएंगे। फिर से एक बार आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं।